अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ हमीद, काशिफ अकेडमी डॉट कॉम की जानिब से। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने फाइबर डॉट कॉम में जो है स्किल्स हम लोगों ने कैसे ऐड करनी है, एजुकेशन का क्या सीन है, पोर्टफोलियो हम लोगों ने कैसे ऐड करना है, यानी आज हम लोग इन चीज़ों पर बात करेंगे। और पोर्टफोलियो पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह डिटेल में आप जो है पोर्टफोलियो सबसे इम्पोर्टेंट मेन रोल जो है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में लैंग्वेजेस और ये सब काम कर लिए थे, इस बार हम लोगों ने करने थे स्किल्स। स्किल्स क्या है? ये देखिए, स्किल वो चीज़ है कि जो काम आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ तो मैं ब्लॉग का भी दे दूँगा। उसके अलावा आपने ये बताना है कि आप बिगिनर में हैं, इंटरमीडिएट में हैं या एक्सपर्ट में। का ख्याल रखना है कि आप लोग जिस लेवल तक काम कर सकते हैं उसी लेवल तक रखिए इस काम को, क्योंकि हम पाकिस्तानी तकरीबन सारे ही एक्सपर्ट हैं। क्योंकि हम में से वो लोग भी हैं जिन्हें इस काम का पता भी नहीं, लेकिन वो भी कहेंगे कि इस काम में हम लोग एक्सपर्ट हैं। तो मैं इसमें इंटरमीडिएट पर कर दूँगा, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट भी नहीं और ना ही इतना लो क्लास का हूँ। तो मैंने वो चीज़ ऐड कर दिया, सही है। अब उसके बाद अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो आप वो कैसे करेंगे? आपने फिर ऐड में चले जाना है और उसके बाद क्या करना है मिसाल के तौर पर, ये देखिए फेसबुक मार्केट हो, क्योंकि मैं ये काम करता आया हूँ तो मैं इसी भी इंटरमीडिएट पर कर दूँगा। ये भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद दोबारा वापस आएंगे और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूँ, इसमें आप टीम वर्क में भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 लड़के हैं और 10 में से किसी को एक काम आता है तो दूसरे को कोई और आता है, थर्ड में किसी और को आता है, चौथा कोई और है वो कोई और काम जानता है, तो आप सबकी स्किल्स जो है यहाँ पर ऐड करके, यानी वो आप जिस किस्म का प्रोजेक्ट तैयार करना चाहेंगे तो उस लड़के को सिंपल आपने बिठा के वो काम दे देना है। यानी ये काम एक होता है कि आप अकेले काम कर रहे हों, और दूसरे तरीके से होता है कि यानी टीम वर्क में, जिस तरह वर्क में टीम वर्क भी होता है। क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा मिसाल के तौर पर आपने कोई वेबसाइट बनानी हो तो वेबसाइट के लड़के आपके पास मौजूद होंगे, वेब डेवलपर, तो वो आपको वेबसाइट की क्रिएशन कर देंगे। और इसके अलावा अगर किसी ब्लॉगर बनाना हो तो आपके पास ब्लॉगर के लड़के मौजूद होंगे तो वो आपको ब्लॉग क्रिएट करके दे देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हमने प्रमोट करवानी वीडियो की तो हम लोग अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से उन सब चीज़ों को प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं अपने और स्किल्स ऐड करता हूँ, जिस तरह मैं लिखता हूँ वेब वेबसाइट टेस्टिंग, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। ये हम लोगों ने कर दिया, इसी में इतना हाई लेवल तक नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में जानता हूँ वेबसाइट टेस्टिंग के बारे में, तो मैं इसको ऐड कर दूँगा, ये भी और हो गया। उसके अलावा अगर आपने और करना है, मिसाल के तौर पर आप करते हैं फेसबुक, सही, इसमें आप लोग फेसबुक के मतलब हर किस्म के वो मार्केटिंग कर सकते हैं जिस तरीके से आप करना चाहें। तो फिलहाल मैं चलो इन स्किल्स को आगे रखता हूँ, जिस तरह मैंने ब्लॉगर का दे दिया, फेसबुक मार्केटिंग, वेब टेस्टिंग हो गई। इसके अलावा आप बात करते हैं एजुकेशन, एजुकेशन का यहाँ पर आप लोगों ने अपनी एजुकेशन बतानी है मिसाल के तौर पर। अब यहाँ पर पहले हम लोग बात करेंगे डिग्री की, सही है, कि आप लोगों ने कौन सी डिग्री की है, सब यानी सी ए, बी एस सी ए, एम ए, एम बी ए, एम एस सी ए, ए डी, एम डी, पी एच डी, आप लोग किस लेवल के हैं। तो आप लोगों ने सिंपल जी डिग्री की आप लोगों ने की वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना, सही है। और यहाँ से सबसे पहले तो आपने पाकिस्तानी नंबर दे देना है, यानी पाकिस्तान पे इस चीज़ को रखना। उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी नेम जो भी आपका हो, तरह मैं रखता हूँ पंजाब कॉलेज हो गया। उसके बाद आपने बतानी है कि आपसे आपने किस चीज़ की डिग्री की है, यानी मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस था तो मैं कंप्यूटर साइंस ही रखूँगा। उसके बाद एक फ्राम, मतलब कि आप लोगों ने कब चीज़ ज्वाइन की थी और कहाँ तक, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 2012 करता हूँ और कहाँ तक मैंने की है 2012 से लेकर 15 तक, सही है। उसके बाद इसको आप लोगों ने ऐड कर देना है। अब अगर आप लोग देखें, ये देखिए वो सब चीज़ें यहाँ पर ऐड हो गई। उसके बाद बात करेंगे सर्टिफिकेट, यानी आपके पास किस किस सर्टिफिकेट मौजूद,
यहाँ मिसाल के तौर पर आपको मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है। अगर मैं आपको बताऊँ, या आप इस चॉइस को छोड़ के कंप्यूटर आप इसे अगर कंप्यूटर साइंस पर रख लेते तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सर्टिफिकेट फ्रॉम ईजी, मतलब कि आप लोगों ने किस चीज़ में की हुई है तो वो आपने यहाँ पर बताना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है कि ईजी ये मतलब मिसाल उन्होंने दी है कि एडोब में आप लोगों ने की है, आप लोग यूलिड के बारे में जानते हैं, ब्लॉगिंग के बारे में जानते हैं, या मतलब आप किस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली ऐड कर दें। जिस तरह मैं करता हूँ मिसाल के तौर पर, यूलिड वीडियो स्टूडियो हो गया, सही है। और कौन से साल में आप लोगों ने की है ये 2015 में, तो उसको आप लोगों ने ऐड कर देना, ये देखिए वो चीज़ ऐड हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता क्या है, एक वो काम है जिस चीज़ से रिलेटेड आप लोगों ने अपना पूरा अकाउंट बनाया हुआ है, जिस चीज़ बेस रखनी है। यानी आप लोगों के पास पोर्टफोलियो फिलहाल नहीं बना हुआ तो आपको मैं सिंपल चीज़ बताऊँ, आप लोग क्या करें, आप लोग यहाँ से जाइए। अगर आप लोगों के पास अपना यूट्यूब का चैनल बना हो तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पर जिस तरह मेरे पास अपना एक, जब मैंने कोर्स तैयार किया था तो उसमें मैंने कुछ लिंक वगैरह यहाँ पर अपने रख लिए थे, तो मेरा ये फेसबुक का पेज बना हुआ है। यानी अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके किसी चीज़ को कर दूँ तो ये मेरा पोर्टफोलियो बन सकता है, सही। और यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, जिस तरह फेसबुक पेज, उसके बाद आपने इसको ऐड कर लेना है। अब ये रहा मेरा फेसबुक पेज, यानी मेरा ये पोर्टफोलियो बन गया, ये सब हो गया है। उसके बाद हम लोगों ने गिग्स कैसे तैयार करने हैं इस चीज़ पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप लोग कुछ और भी अपने बारे में लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर बस आप इधर इतना सही लिखते हैं कि बस आप इसे यहाँ पर ला के इनका क्लियर कर दें। और उसके बाद इस चीज़ को, क्योंकि हम लोगों ने ये कुछ ज़्यादा ही लिख लिया है, लेकिन चलें बस ये हो गया है। यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। उसके बाद बात करेंगे हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन की नहीं दी थी, चलो हम लोग वो भी क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या बताना है, यहाँ पर हम लोगों ने बताना ये है कि हम लोगों ने इन्हें अपने आपके बारे में बताना है कि भाई हम लोग क्या चीज़ है, सही है, हम लोग किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, हम लोगों ने ये बताना है। और उसके अलावा उन सब चीज़ों के बारे में बताना है जो चीज़ें हम लोग लाइक करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ हेलो, हर किस्म के काम कर रहे होते हैं fiverr.com, तो यहाँ पर आप लोग जो काम कर सकते हैं वो सब चीज़ के बारे में आप लोग यहाँ पर बता देंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने लास्ट में जाके क्या करना है, उसके
उसके बाद इस चीज़ को आप लोगों ने अपडेट कर देना है। ये मैंने सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए किया है, क्योंकि मेरा ये अकाउंट नहीं है, मैं भी इसी private.com में काम करता हूँ, लेकिन मेरा कोई और है, लेकिन मैं इसकी आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर चीज़ आसानी से समझ आ सके। तो इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम लोगों ने ये गिग वगैरह कैसे तैयार करना है, अट्रैक्टिव किस किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं हूँ काशिफ नवीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बरए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम लोग आप लोगों से की तो करते हैं कि आप लोग हमारे साथ इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ तावन करें, हम इंशाल्लाह आपके साथ तावन करेंगे। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।